अल्लाम नाजरीन आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पे दबाव बढ़ाने के लिए मुलाकातें शुरू कर दी हैं आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुलाकात की सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त से इसके बाद जमात इस्लामी और पाकिस्तान मुस्लिम क्यू से भी रबा करने का फैसला तरीक इंसाफ ने किया है दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के वक्त जब मुलाकात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो उसमें एहतजाज ऐसे इंसाब ने चंद अहम बातें की जो इस प्रोग्राम में मैं शामिल करूंगा लेकिन इसके बाद एक और अहम मुलाकात हुई है वो है सबक रहमान मलिक साहब की मुलाकात हुई थी शाम को इसाक डार साहब से अब ये देखना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या पॉलिसी इख्तियार करती है क्या ऑपोजिशन के साथ खड़ी होती है या हुकूमत का साथ देगी इस इशू पे रहमान मलिक साहब जो कि बड़े करीबी जाने जाते हैं आसिफ अली जदारी साहब से यह मुलाकात उस हवाले से बहुत अहम होगी कि इस मुलाकात में रहमान मलिक साहब की और इसाक डार साहब की मुलाकात में क्या बातें तय पाई हैं अब से कुछ देर पहले एक अहम स्टेटमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी आया है जो कि इस प्रोग्राम में जरूरी है वो कहते हैं कि फाटा में मिलिट्री ऑपरेशन हतमी मराइल में पहुंच चुका है रॉ पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने में मुलविस है किसी को रुकावट या गड़बड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी चीन का सामान इसी साल पूरी दुनिया में जाना शुरू हो जाएगा जरब अजब का मकसद इंतहा पसंदी और करप्शन से गठजोड़ को तोड़ना है एक और जो उन्होंने जुमला कहा है आसिम बाजवा साहब के ट्वीट्स में जिसका जिक्र है वो ये है कि महाजराई छोड़कर मिलकर काम कर करें यह पैगाम किसको है यह वाजे नहीं है लेकिन ये इसमें जरूर कहा गया है कि महाजराई का वक्त नहीं है और मिलकर काम करने की जरूरत है इशारा सियासतदानों की तरफ है आ, या किसी और की तरफ ये इसमें वाजह नहीं किया गया है अहम बात यह है कि इस वक्त वजीर आजम साहब ने फैसला किया है कि वो लंदन जाएंगे और इस हवाले से भी इस वक्त रूमर्स यह है कि शायद वो इलाज के लिए नहीं जा रहे और सियासी मुलाकात भी होंगी इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है अली रजा आब्दी साहब मेंबर नेशनल असेंबली है एम के से आपका ताल्लुक है बहुत बहुत शुक्रिया अली रजा आदि साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ, साथ मौजूद है स्टेट मिनिस्टर है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कराची से होंगी शर्मिला फारूकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एम पी हैं और हमारे साथ मौजूद होंगे होंगे अली जैदी साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से आपका ताल्लुक है आप दोनों हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डॉक्टर साहब एक शॉर्ट में आपको सुनवाना चाहूंगा आज जब सुबह मुलाकात हुई है तरीके इंसाफ के वक्त की और पीपल्स पार्टी की तो एतजाज एहत साहब ने क्या फरमाया कि क्यों जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब लंदन जरा सुनिए नवाज शरीफ लंदन एक पॉइंट के मिशन पे जा रहे हैं और वो आसिफ अली से मुलाकात करके उनकी मिन्नत समाज उनके घुटनों को आगे नवाज शरीफ जा रहे हैं जी तो वो फरमा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वन पॉइंट एजेंडा पे जा रहे हैं मिन्नत समाजत करेंगे आसिफ अली जदारी साहब की घुटनों पे उनके हाथ रखेंगे ये है एजेंडा आप लोग कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है इसलिए वो जा रहे हैं लड़ रहे हैं बसमी शहजाब बुनियादी तौर पर एजाज़ हसन साहब बहुत सीनियर कानूनदान है अभी आठ बजे भी मैं एक प्रोग्राम प्रोग्राम में था और मैंने उनके लिए वहाँ पर भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किए और मैंने कहा मैं उनकी बासीत एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ लेकिन पहली बात तो ये है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पोक्समैन नहीं है वो पीपल्स पार्टी के स्पोक्समैन है इसलिए हमारी जमात की तर्जमानी करने का एजाज़ असन साहब को कोई हक नहीं है कि वो हमारी भी आपके ऊपर खबरें दे रहे हैं और हमारे वो तर्जमान बने हुए हैं दूसरी बात यह है कि जोबा यह था अगर वहाँ तो पर जाके मदद मांगी जाएगी दें अगर वो ये बात सियासी अंदाज से कहते या नॉर्मल अंदाज से कहते तो मैं भी इस बात को संजीदा लेता या कौम भी इस बात को संजीदा लेती लेकिन उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके ले लेजे के अंदर जो जो एक या आप ये कहें कि तेजी है जो वो जो एक उनके अंदर एक एंगर नज़र आ रहा है आपको जो ताने और कोसने नजर आ रहे हैं जो इस स्टेचर के लोगों को जेब नहीं देते इस तरह की जली कटी बातें करनी ताना जानी करनी तो ये इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियंस को जेब नहीं देता तो ये इनके अंदर की कोई कोई वो है तपिश है जो वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब बावल भुटो जरदारी जो एतजाज साहब कहेंगे खुशी शाह साहब कहेंगे वो हमारी पार्टी पॉलिसी है इसका मतलब ये सिर्फ़ एतज़ाज़ साहब नहीं बात करें ये पीपल्स पार्टी की पार्टी पॉलिसी हुई ना फिर आ, देखें पीपल्स पार्टी की अगर ये ऑफिशियल पॉलिसी है तो फिर बिलावल भुट्टो साहब को जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर की बक्ल इनकी अगर मुलाकात होती है जरदारी साहब से तो उसके बारे में बात करनी चाहिए वो ज़ाहिर है उनके पार्टी के लीडर हैं वो तो उनके बारे में ये तो नहीं कहेंगे कि इनकी बात को हम ओन नहीं करते बिलावल साहब ने अगर ओन किया है तो पॉलिसी उनकी है आसिफ अली जरदारी साहब से नवाज शरीफ साहब देखें गुजारिश है कि जरदारी साहब से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें हो चुकी हैं मैं एक पोलिटिकल उनकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग वो रही है पिछले काफी अरसे अगर आज इमरान खान साहब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना चाहता हूँ तो मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूँ कि वो इंकार नहीं करेंगे बाकी पोलिटिकल लीडरशिप से बात होती रहती है कराची प्लान कराची जो एक्शन प्लान है कराची का जो हमारा ऑपरेशन है उसके हवाले से एम क्यू एम की रिजर्वेशन आई एम क्यू एम के वसत से वक्त से प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकातें हुई हैं तो अगर हमने मिलना हुआ जरदारी साहब से तो वो ऑफिशियल होगा वो सबके सामने होगा के मिला जा सकता है कोई बात जो है वो हमारे कार्ड्स पे है आसिफ अली जदारी मिलने से इनकार कर दिया ये खबर भी सुबाई ना जिसकी बाद में आप लोगों ने कहा कि आपने तो का ही नहीं किया है मैं इस बात के ऊपर मेरा ख्याल है मैं हंसी सकता हूँ कि खुद ही एक खबर का इंकशाफ भी कर रहे हैं कि हमारी ख्वाहिशें मिलने की खुद ही ये कह रहे हैं कि हम मिलना भी नहीं चाहते तो मेरा यह ख्याल है कि ये सस्ती शहरत करने कोई, का आसिफ अली हवाले से बिल्कुल भी नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई और अगर ऐसी बात होगी तो वो मीडिया पर होगी ये बातें ऐसी नहीं है आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के साहब का सदर रह चुके हैं वो कोई को खुफिया एजेंसी के वो नहीं है किसी मुल्क दुश्मन एजेंसी के एजेंट नहीं है कि हम उनको कोई छुप के कोई करेंगे या छुप के कोई बात होगी शमिला फारूकी साहब आपसे पहले इस पर मैं रिप्लाई ले, ले लेता हूं जो एहतजा साहब कह रहे थे मिनत समाजत के लिए जा रहे हैं और घुटने पकड़ेंगे वहां जाके आसिफ अली जरदारी साहब के आ, ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब के बड़ी जली कटी बातें कर रहे हैं दूसरी तरफ बिलावल साहब कहते हैं कि इनका जो भी बयान होगा पार्टी पॉलिसी होगी तो ये बता दीजिए फिर ये पार्टी पॉलिसी समझा जाए इसको और दूसरा इस हवाले से सदाकत है इस बात में कि आज ख्वाहिश जाहिर की थी नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की लेकिन मना कर दिया गया जदारी साहब की तरफ से कि हम मुलाकात नहीं करेंगे जी शुक्रिया शहजाद साहब देखिए पहली बात तो ये है कि एतजाज़ एहसन साहब की जो स्पीच थी पार्लियामेंट में उसको पार्टी पॉलिसी समझा जाए खुर्शीद शाह साहब की जो स्पीच थी पार्लियामेंट में उसको होलिस्टिकली अगर आप देखें तो उसको पार्टी पॉलिसी समझा जाए हाँ पार्लियामेंट से बाहर बहुत सारी बातें होती हैं टी वी टॉक शोज़ के हवाले से होती हैं रिपोर्टर्स आके पूछते हैं जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक है मियाँ साहब से मुलाकात का या नहीं आ, उसके बारे में अगर बयान फरतुल्ला बाबर साहब की तरफ से आए तो वो एक बयान ऐसा है होगा जिसको आ, उसमें सदाकत होगी उसके अलावा मैं या कोई और या पार्टी का कोई और रहनुमा बयान देता है इस बारे में तो हम उसके शमिला तो से कर करके ये बात सुबह से चल रही है और इसका डिनाइल नहीं आया तो फिर इसको ठीक ही समझा जाए ना देखिए बात बड़ी सीधी सी है कि आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त लंदन में मकीम हैं प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ जा रहे हैं उसके दो दिन बाद इमरान ख़ान जा रहे हैं अच्छा फिर शबाज़ शरीफ भी जाएंगे फिर और भी लोग तो ये कयास आ आरियाँ ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती हैं कि जी वहाँ जा रहे हैं तो शायद मुलाकात होगी हो इसने मुलाकात का वक्त मांगा उसने मना किया उसने मांगा इसने मना किया देखिए अगर मुलाकात हो भी जाती है तो कोई हर्ज तो नहीं है ना

बात यह है मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर ये बयान फ़रतुल्ला बाबर साहब की तरफ से आता है जो कि आसिफ अली जरदारी साहब के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं तो इस बात बा, बयान में कोई सदाकत होगी उसके अलावा मैं या कोई भी बैठ के ये बात कर दें देखें क्या सरें अब एतज़ाज़ अहसन साहब एक बड़े अच्छे ऑडिटर हैं और वो बड़ी अच्छी गुफ्तगु करते हैं बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं आ, उनकी तरफ से उनकी सोच होगी उन्होंने बिल्कुल कहा होगा मैं तो सुबह से बल्कि कल से ये देख रही हूँ मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर इतनी सारी ज़राए से खबरें चल रही इतनी अब किसकी तस्दीक करें और किसकी तस्दीक ना करें मतलब अगर ये करने बेहतर जो है तो दुरुस्त नहीं है ठीक तो है आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ खड़ी रहेगी इस इशू पे पानामा लीग पे और करप्शन के इशू पे या फिर आपको लगता है कि जो मुफायमत की पॉलिसी एक चलती आई है नू लीग के साथ वो वहीं पर जाके खड़े होंगे मेरा नहीं ख्याल देखें इस वक्त यह है कि ये इतनी बड़ी ग्लोबली इतना बड़ा इशू बन गया कि जो भी जमात अगर वो इसको डिफेंड करने की कोशिश करेगी वो आई थिंक उसका पॉलिटिकल बहुत डिसएडवांटेज होगा बिकॉज ये पाकिस्तान के अंदर तो जो अब शुरू हुआ है गेम बाहर आप इंग्लैंड में देखें माल्टा में देखें वो हर जगह की गेम ये खुल गई है अब जिन जिन के नाम आए हैं वो पता चल गया कि उन्होंने हिडन वेल्थ छुपाने के लिए ए, स्टोलन वेल्थ छुपाने के लिए ये ऑफशोर कंपनीज बनाई थी और किसी के वालिद के नाम पर थी तो किसी के बेगम के नाम पे थी और जो एडवांटेजेस लिए गए उससे तो ये दुनिया में ग्लोबल फिनोमेना फिना पनामा लीक्स वो अब, अब अब वो जो हमारे ही खड़ी होगी यानी कि ऑपोजिशन के साथ ही खड़ी होगी देखिए ये पाकिस्तान का इशू पीटीआई का इशू तो नहीं है ये तो पाकिस्तान का इशू है मैं समझता हूं कि चाहे अगर पॉलिटिशियन अगर पीटीआई का हो पीपल्स पार्टी का हो पी एम एल एन का हो जिस जमात का भी हो जिसने अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं गोशवारे छुपाए हैं, चोरी की दौलत से कमाए हुए शर्मिला अगर ये करप्शन आप तो हुई है या मुल्क से पैसा बाहर गया वो वो आपका हदफ है ये मुझे एक वर्ड में बता दें ताकि मैं अगला सवाल कर फिर तो पाकिस्तान से चोरी होकर भी, हो। भी, तो एक बात एक बात बात भी पैसा लेके गया कैसे कर रहे हैं आप खुद इल्जाम लगाते रहे वो साठ मिलियन डॉलर का जिक्र करते हैं जो में पड़े हुए आसिफ अली जदारी और जो अरबों रुपए की करप्शन पीपल्स पार्टी ने की आप खुद बात करते रहे तो अगर करप्शन आपका हदफ है तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ कैसे हाथ मिला रहे आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने साहब एतजा भी, भी बोला कि आप क्या मिलियन डॉलर भी लेकर आए अपने साथ साथ अगर पीपल्स पार्टी एहतजाजहसन साहब पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा हैं सेनेट के वो इनकी पार्लियमानी के हेड हैं बॉडी के हमने तो सबसे कहा है अगर इनकी जमात में कोई है मैं भी सवाल बोलता हूँ उसामा साहब है सैफुल्ला उसा, उस्मान सैफुल्ला सेनेटर हैं जो टैक्स रिफॉर्म कमेटी के सेनेट में चेयरमैन है उनकी चौतीस कंपनियां हैं जी जब नवाज शरीफ का मुकाबला कहा सैफुल्ला साहब से आप करेंदारी साहब से करें ना मैं तो सारों को कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जिसका भी नाम है सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए चाहे जरदारी साहब हो चाहे इमरान खान हो जो भी हो हमने तो इमरान खान साहब ने तो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कह दिया कि आप

पाकिस्तान पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पार्टी है ना, पीपल्स पार्टी है ना पीपल्स कोई जिन अच्छा, मतलब जिन लोगों ने जिन पे आप 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 में में लगा लगाते रहे कि हम करप्शन करप्शन कर आपने किये, उनके साथ भी आप हाथ मिलाएंगे हम और फिर तो आप तो नहीं नहीं करेंगे का जिनका नाम ऑफशोर कंपनीज के हवाले से नहीं आ रही इनको Uh, अभी जैसे वो सियासी गिद होते हैं ना जब कोई प्रॉब्लम में आ जाता है तो उसके बाद उछलते हुए कूदते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद उसका गोश्त खाने के लिए पीपल्स uh, पार्टी के इन्होंने पिछले पाँच साल uh, टोटल एक्विशन पे गुजारे जरदारी साहब पे मोहतरमा पे और बाकी जो पीपल्स पार्टी के लीडर्स हैं और हर वक्त इसी को पीटते रहे खान साहब भी पीटते रहे और अब जाके जब वैसे ही केस एक पीपल पीएमएलएन का खुला है तो ये पीपल्स पार्टी के साथ जाके मिल जाएंगे वो पुराना सारे गुना माफ़ हो गए इनके मुताबिक तो इनको अपनी सियासत पे भी में भी भी का नाम देने की जरूरत है और इनको का नाम है? अपने आप को क्लियर करने की बहुत सख्त जरूरत है क्योंकि इनको पता नहीं है अभी क्या है इनकी सियासत एक बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे जा चुकी थी एक पाना पेपर आए हैं अब मैं आपको बताऊं आप थोड़े दिन में देखिएगा ये तो पार्ट वन आया ना इसके बाद और अभी भी पेपर्स जो हैं वो स्कैटर्ड हैं वो एक, कौम, एक कौम, वो एक लाइन में जैसे विकी लीक्स था उसने एक एक जगह फॉर्मेट पे लेके आता था वहां पे आने हैं तो जो फोरेंसिक ऑडिट की बात हो रही है और बाकी इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो मैं और आप भी कर सकते हैं जब ऑनलाइन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो अली जैदी साहब ने की एक ग्लोबल फिनोमिना और हर जगह इस पर तनकीद हो रही है हर जगह आइसलैंड हो गया यूक्रेन हो गया बर्तानिया हो गया तो इसमें आपकी पार्टी का भी जो है स्टांस को समझ नहीं आया मिला जुला सा है ना ज्यादा इस कमीशन को सपोर्ट कर रहे हैं ना रिजेक्ट कर रहे हैं आप अगर कहते हैं मिडिल क्लास लोगों की जमात है तो फिर करप्शन मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में खुलकर क्यों नहीं एमक्यूएम इस पर आती और चाहे तरीके इंसाफ हो या और जमात हो लेकिन प्रिंसिपल स्टैंड तो आपका होना चाहिए ना हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है कि इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा वो जाहिर सी बात है उस होल्ड अकाउंटेबल होगा लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले सिर्फ एक्जेशन करके और एक और नए तरीके पे लेके जाने से उससे पाकिस्तान से सियासतदानों ने पैसा बाहर भेजा ये बिल्कुल ऐसा हुआ है लेकिन अभी तक आपको कोई को उसकी ट्रैक मिला है कोई अभी तक है बिल्कुल कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं बिल्कुल अभी भी कर रहे हैं पार्लियामेंट में भी कर रहे हैं हमने ये कहा है कि जो जुडिशियल कमीशन इन्होंने ऑर्डर किया है वो जुडिशियल कमीशन फौरी तौर पर बने हमने ये भी का है कि चीफ जस्टिस साहब जो है तो कह रही है कि हमें रिटायर्ड जज का कमीशन नहीं, नहीं चाहिए मैं बता रहा हूं ना वही तो कह रहा हूं चीफ जस्टिस के साथ जो हाजिर जर्वेज चीफ जस्टिस साहब हैं ना जमाली साहब जिनके ये हेड करें इसको कमीशन को इसके साथ फिर आगे इन्होंने अगर फॉरेंसिक ऑडिट कराना है तो उसके लिए चीफ जस्टिस साहब ऑर्डर करें ना कि ये नैब की तरफ जाए ठीक है ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम है इसके बाद आपके सामने हाजिर हो जाइएगा वेलकम बैक नाजरीन अरे सर चलिए वापस कर तो तो लेकेंड आपसे ही सवाल कर रहा था ना एक सेकेंड रेडी वेलकम बैक नाजरीन डॉक्टर तारिक साहब एक कमीशन ने तो बात करनी है और दुनिया भर में हम देख रहे हैं तहकीकात हो रही है लेकिन आपकी जमात से ये सवाल किया जा रहा है कि आक, आकर आकर डिटेल्स तो बताएं हमें हुसैन नवाज साहब बताएं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बतौर पॉलिटिकल पार्टी आप जवाब नहीं देना चाह रहे शरीफ फैमिली से जवाब आए प्राइम मिनिस्टर से जवाब आए जैसे हमने देखा है डेविड कैमरून ने अपने सारे अहसासें बता दिए अपनी कमाई बता दी अपने टैक्स बता दिए इस पर खुल के क्यों नहीं आ रही आपके आपके जमात की तरफ से कोई मौके देखिए शहजाद मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और खुल के क्या आ सकते हैं कि अगर डेविड कैमरून ने अपनी एक स्टेटमेंट दी है या अपने अहसासें ज़ाहिर किए हैं प्यूटन ने उन्होंने अप, उनकी अपनी एक स्टेटमेंट आई है आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर की मिसाल दी जाती है उनका बराहरास नाम था या उनकी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा यहाँ सूर्त ख्याल जो है वो ये है कि पहली बात कि प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना नाम नहीं है बेटों का नाम है बेटे जो हैं वो ज़ाहिर है बाले गए अपना काम कर रहे हैं ये हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट इससे पहले आ चुकी है ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा लेकिन ये नई पार्टी पॉलिसी आप लो की ना, आप लोगों पहले लोग डिफेंड कर रहे थे कि कब कब खरीदे गए, कब नहीं खरीदे गए गए नहीं इससे ज्यादा आपके सवाल का जवाब मैं में इससे ज्यादा शफाफियत क्या हो सकती है कि हम ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट पे नहीं हम अपने आप को प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे अपने बच्चों को एहतसाब के लिए पेश किया पूरा कमीशन बना इस पर इससे पहले दानदरी के जमात लगे कमीशन बना हमने उस वक्त भी ये कहा कि अगर इस कमीशन में ये साबित हो गया मुनम धांधली हुई है तो हुकूमत घर जाएगी ये बहुत बड़ी बात थी ये रिटर्न हमारा पाकिस्तान तरीके साथ तहरीरी माहा हुआ कमीशन पर शुरू में इसी तरह के सवालिया निशान उठाए गए उंगलियाँ उठाई गई लेकिन जब कमीशन ने तहकीकत शुरू की प्रोसीडिंग हुई तो तहरीक को और तमाम सियासी पार्टियों को उस पर इतमाद हो गया अब भी अभी कमीशन बना नहीं है उसके ऊपर जो है वो राय जनी हो रही है उस बातों को दिया मतलब तो तो है जो बच्चा पैदा ही नहीं जो होगा बने पहले रिजेक्ट कर दिया उन्होंने खान साहब जो कह रहे हैं शोब सडल साहब शोएब सडल साहब कोई हाजिर सर्विस पुलिस ऑफिसर नहीं है रिटायर्ड ऑफिसर है उनमें क्या सुखाव के पार लगे शहजाद आप हर जुमले के बाद काटते हैं अगर शोहेब सडल साहब एक रिटायर्ड ऑफिसर इतने क्रेडिबल है तो क्या जुडिशरी में कोई जज इतना क्रेडिबल नहीं है जिसकी शोब सड़े जितनी इज्जत हो जस्टिस क्या आपने तमाम के तमाम जजेस को जस्टिस वजी को तमाम रिटायर्ड जजेस को आपने ये जनाब फारिग कर दिया तो गुजारिश ये कहने की कि अभी नाम सामने नहीं आया अभी कोई टीओ अर्ज नहीं बने एक दफा जब वो कमीशन बनता है उसके बाद आप एतराज कर सकते हैं कि जी इन जज के ऊपर ये एतराज है या कोई बात है मेरे कहने का मकसद यह है कि हम एक नीति के साथ एक ऐसा कमीशन जिसमें अभी वो फैसल वाडा साहब अल्लाह मतलब बेहतर जानते हैं पूरी कॉम जानती है वाडा में जो लोग रहते हैं पूछे वाडा साहब को साहब वो वहाँ जाके पता नहीं कि, कि किसके कहने के ऊपर क्या यही बात कर रहे हो बात, बात क्या कह रहे हैं ये मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है इस तरह के तमाम पार्क जो प्रॉपर्टी है कैश पर है और जिसकी पाकिस्तानी रकम बनती है छह से सात अरब रुपए मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह के तमाम इनकशात मन इनके लिए ये कमीशन बनाए कि सारे डॉक्यूमेंट लेके आए वहां पर बांट के बात करें इससे पहले भी तरीके इ तरीके इन साहब की अकेले बात नहीं कर रहा लेकिन अगर इसकी बात करें तो उससे पहले उन्होंने हमारे पास ट्रक के ट्रक सबूतों के भरे हुए हैं जब लाने पड़े तो चार कागज इनसे नहीं लाए गए अच्छा अब भी ये जितने सबूत है ये कमीशन में लेके आए ना ये ना ये सबूत मैं आखिरी एक जुमला कह दूं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उनकी फैमिली के खिलाफ हमेशा इस तरह के सबूत अखबारों की जीनत बने ये टॉक शोज की जीनत बने भाई ये फॉरम नहीं होते इन फोरम्स के ऊपर आप साबित नहीं कर सकते अदालतें मौजूद हैं और अगर आप कमीशन में भी आपको एतराज़ है

चौधरी निसार साहब जो कि लॉ एनफोर्समेंट के जिम्मेदार हैं आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा था एग्जैक्ट के बारे में जी जिसमें बोल और एग्जैक्ट के तकरीबन आठ हजार नहीं किया की, 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 की हकूमत ने, ने उसके उनका सारों का फ्यूचर बर्बाद करके उनको बंद कर दिया आज तक उसके केस का कुछ हो नहीं सका है तो ये भी तो एक इंकशाफ है इसी तरह बीबीसी ने अथॉरिटेटिव सोर्स के बारे में लिखा था आप के पीछे पड़ गए थे तो जब ये इंटरनेशनल अखबार लिख रहे हैं तो चौधरी निसार साहब को चाहिए और हसन नवाज को फौरी तौर पर या या सवाल जवाब शुरू करें या की एक जो के उनसे तहकीन और हसन नवाज को अरेस्ट करेंगे मतलब क्यों करेंगे अच्छा फिर दूसरी बात आती है कि पीपल्स पार्टी की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ है अभी यह पीपल्स पार्टी बेशक थोड़ी बहुत बातें कर ले और कह दे आ, ये है, वो जरूर, है कि जी, ने की नहीं रखी, ने जरूर रखी अपने पिछले पांच साल में तो अब पीपीपी थोड़ा सा ये दिखा सकती है हमारे साथ जो ज्यादा की हैं सिंध में या कराची में तो वो हम भी फिर आपको जवाब इसके हिसाब से दे सकते हैं तो शायद यही वजह है कि पीएम साहब वहां पर जाके जरदारी हिसाब से मिल रहे हैं और मिलेंगे ये भी मैं आपको बता दूं जरूर मुलाकात होगी तो शमीला फारूकी साहब अभी कुछ देर पहले बिलावल भुट्टू साहब का ये स्टेटमेंट आया है कि हम पीटीआई के साथ इस पर एक पेज पर हैं मतलब अपोजिशन एक पेज पर और तरीके इंसाफ का उन्होंने नाम भी लिया है तो तरीके इंसाफ वही जमात है और अभी भी अली जैदी साहब कह रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ पैनामा लीक्स नहीं है करप्शन है लूटी हुई दौलत है और उसमें वो पीपल्स पार्टी को भी माजी में जो है वो निशाना बनाते रहे देखिये शहजाद साहब बात बड़ी सीधी सी है पनावा लीग सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है ये एक ग्लोबल इशू बन गया है अखलाकी तौर पर दो ममालिक वज़ी अजम इस्तीफ़ा दे चुके हैं दुनिया भर में तहकीकत शुरू हो गई और दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग अभी तो लाखों की तादाद में ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए हैं ये तो एक चीज अभी आ रही है एक फैसल वार्डा लिया है न, 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 नज़र आ रहा है आपको वो वक्त भी याद होगा मेमो गेट का कि जब मेमोगेट के ऊपर एक स्कैंडल आया था तो यही मौजूदा वजीर आजम साहब जो हैं, अगले दिन अगले दिन काला कोट पहन के टाय लगा के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर हो गए थे कि इसकी तहकीकत करें जबकि ये ऑफर पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से आ चुकी थी कि जनाब हम एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे पार्लियामेंट में लेके जाएंगे लेकिन अब पहुंच गए आज जो ये कमीशन बनाना चाह रहे हैं जो आज तक नहीं बना एक रिटायर्ड जज के सरबराही में पूरी कॉम ने उसको मुस्तर कर दिया है और अगर यह डिमांड आ रही है कि कमीशन बने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में तो इनमें इनको क्या मसला है मेमो गेट के वक्त तो आप चले गए थे ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास आज अगर कौम ये मुतालबा कर रही है और ये कह रही है कि आप चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाएं इन्वेस्टिगेशन तो आपको तो हाजिर होना चाहिए कॉम के आगे आज मौका है काला कोट पहने हाजिर हो अपने आप को एहत के लिए कॉम के सामने पेश करें इसी में बड़क बने आपके अपने वोटर्स आपसे सवाल पूछ रहे हैं ये कॉम जिसने आपको मैंडेट दिया है वो आप सवाल पूछ रही है तो आज पीछे क्यों हट रहे हैं देखिए

हमने इकतफा नहीं किया सिर्फ एक प्रेस रिलीज देने पर हमने तो बाकायदा कमीशन की तश्ील कर रहे हैं हम कमीशन बनाने का ऐलान किया है आप सबको दावत दी है कि आप काला कोट पहन के आप तशरीफ लाए आपकी आप है आपको ये कहना आप सारे था काला कोट पहने और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय और वहां ये कागज लहराने की बजाय नाम आया उन्होंने व्हाइट था पैसा ब्लैक था ये आके हम तहकीकात करेंगे लेकिन आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मियाँ साहब की फैमिली खुद इन्वॉल्व है ना देखिए गुजारिश यह है कि ये बात तो भी की है कानूनी काम नहीं है अगर पैसा व्हाइट पूछता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में मैं तीन जगहों का नाम लेता हूँ अतार गवादर गदून

को बनाना स्टैक्स मैनेजमेंट दैट इज एग्जैक्टली लाइक इफ यू इन्वेस्ट एट गवादर और आर गदून जो सोर्स है ये एक अलग बात है ठीक है मुझे सोर्स क्या है उसको हम क्लियर पे, करेंगे वो पैसा, उसी पैसा। सोर्स ही को क्लियर करने की बात हो रही है एक ब्रेक ले लूं उसके बाद अली साहब बात करेंगे अली जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद नाजरीन अली जैदी साहब आपकी पार्टी यकीनन इस यकीन एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है उन्होंने और अपोजिशन तो को भी साथ मिलाने की वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक इशू ये भी है कि तहरीक इंसाफ सेल्फ बड़ी कमजोर हो रही है अंदरूनी जो लड़ाइया हो रही हैं हमने देखा शाह महमूद साहब ने दो दिन पहले जिस तरह की तकरीर की है जहांगीर खान तरीन और चौधरी सरवे साहब के खिलाफ कराची की मिसाल आप ले लें आपका कैंडिडेट इलेक्शन से कुछ देर पहले ही भाग गया पार्टी छोड़ के मतलब तो पार्टी कमजोर हो रही है तो इतना इतना डिफिकल्ट चैलेंज कैसे आप जो है वो अब करेंगे शहजाद पूरा आपका जो पिछला सेगमेंट था माशाल्लाह मैं सबकी बातें सुन रहा था मुझे जी जी आपको मैं वक्त दूंगा उस पर अफसोस कर रहा था मुझे कि ये पाकिस्तान किधर चला गया है और ये जो लीडरान माशाल्लाह बैठे हुए हैं खास तौर पे वो तारिक फजल चौधरी साहब और वो दूसरे आपके साथ जो आब्दी साहब बैठे हुए हैं ये कोई बेसिक्स कोई बेसिक मोरालिटी की बात कर कॉमन सेंस की बात क्यों नहीं कर सकते पहले तो मेरे तीन सवालों का सिंपल जवाब है पहला सवाल ये है इसका सारे जो पूरा प्रोसेस है ना पहला सवाल है, पैसा बाहर गया कैसे दूसरा सवाल ये है कि पैसा जो बाहर आपने इन्वेस्टमेंट्स की वो आपने डिक्लेयर क्यों नहीं की और तीसरा सवाल ये है कि जो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीटी की पीटीवी के ऊपर बैठ के इतनी दर्द मंदाना हुँ. तकरीर की जी पहले इस पाकिस्तान में सारा कुछ ले लुट गया फिर भुट्टो साहब ने ले लिया फिर बेनजीर साहब की दोनों हुकूमतों में जुलम हो गया फिर मुशरफ ने मॉडल टाउन भी बंद कर दिया बैंक भी फ्रीज कर दिया सारा बेड़ा कर तबाह इतनी दर्द मंदाना रोना आ रहा था उनको देख के जुलम के ऊपर लेकिन उनका बिजनेस एम्पायर बढ़ता चला चला जाए बढ़ता चला जाए इतने जुलम पचास करोड़ रुपए उस वक्त फाइन दिया लेकिन फिर बिजनेस एम्पायर बढ़ गया ये लूट के पैसे के ऊपर बैठ के और पूरी कॉम को गुमराह करना और डिफेंस में शौकत कैंसर से नहीं लड़ना शौकत खानम से लड़ना

तहरीके इंसाफ कमजोर हो रही है तो फिर कैसे वो मुकाबला करेगी इस वक्त वो कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर तहकीकत करवाए लेकिन आपकी पार्टी कमजोर हो रही है सर यहाँ लड़ाई हो रही है लीडरशिप में कराची में कैंडल अगर आपका कोई जो स्ट्रेट लाइन जो होती है ना वो डेड हार्ट की लाइन जब आप देखते हैं ना वो स्ट्रेट लाइन डेड ग्राफ ऊपर नीचे आता कोई फर्क नहीं पड़ता इससे हम इस कॉम के लिए लड़ रहे हैं हम इनके नहीं लिए नहीं लड़ रहे ये जो पैसे बटा के बाहर बैठे हैं या इनके जिनके ऊपर सारी दुनिया इल्जाम लगा रही है हम पे तो नहीं लगा रही क्या स्कॉटलैंड यार्ड हम्पे इल्जाम लगा रही है कि हमने इंडिया से पैसा लिया है या हमारे टारगेट किलर पकड़े गए या हमारे घर से पांच लाख पाउंड या चार लाख पाउंड निकल गए ये हम पे इल्जाम लगा रॉ हम पे इल्जाम लगा ये रेंजर्स हम पे इल्जाम लगा रही है कि जी सोफे के अंदर से असला निकल रहा है या लांडी सेक्टर के अंदर से इंडियन में वेपन मिल रहा है या हमारा कोई बंदा फांसी पर चढ़ रहा है जो कह रहा है कि जी मैं इंडिया से ट्रेनिंग लेके आए और मेरे साथ बहुत साथी है या हमारे लोग निकल के बाहर कह रहे हैं कि जी हमें हमारा जमीर जाग गया हमें तो ये काम करवाया जाता था है आपस में लड़ाइया हो रही है उनकी फर्क फर्क नहीं पड़ने वाला तो तो कोई है, कोई आगा 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 आ, है। उतार होते रहता कोई मैं 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 आता लेकिन साहब कह रहे थे कि मुझे तो पता सेंस की बातेंगी अब अगर बातों पे आते हैं तो बहुत सारी बातें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इन्होंने पोस्टपोन कर दिया इस चक्कर में रायबेंट पे जाके बाहर शोर मचाएंगे इसीलिए आप 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 कि इनके अंदर झगड़े हो रहे थे यहाँ पे जिस वजह से इन्होंने पोस्टपोन किए और इनको खुद अभी तक ये अपनी पार्टी को संभाल नहीं सकते और ये तो हो सकता है ये खुद खुद भी उधर पी एस पी में जाके मिल जाएंगे इनकी लीडरशिप के आजकल ये इरादे चल रहे हैं पैसा देखें पीपल्स पार्टी ने जब उनके ऊपर इल्जाम लगा था ये 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 पहले 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 मिलेंगे मिलेंगे जब हुसैन जाएंगे और एक चला गया था और फिर उसके बाद दूसरा आ गया था प्राइम मिनिस्टर्स गए थे ना तो इसी तरह पीएम को भी चाहिए था कि अपने आप को पेश कर देते वहां पे और जाके कर दे पैसा कैसे गया बाहर ये तो है भाई टैक्स एमस्टी स्कीम सबसे पहले ये लोग देते हैं कि अपने काले धन को सफेद कर लो ये कभी भी नहीं इस पर कुछ कहते और फिर आपको याद होगा 92 में इन्होंने ग्रीन चैनल एक शुरू कर दिया था जितना पैसा लेके जाना है जितना पैसा लेके आना है वो आप लेके जाओ कोई आएगा पूछेगा नहीं आपको ये तो 2005 में जाके उस पर ब्रेक लगा क्योंकि जब आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारे लॉज आने शुरू हो गए थे बाकी जो है बेनामी ट्रांजेक्शन तो एक इमरान खान साहब की भी है जो कि जमाइमा साहिबा ने और इन्होंने जब अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी तो वो तो पनामा की कंपनी है जिसका सोशल मीडिया पे चल रहा है और हर जगह उसके बारे में चल रहा है वो कंपनी मॉर्गन एंड मॉर्गन पता नहीं मुझे नाम याद नहीं है लेकिन इन पे भी इल्जाम आ रहा है और अब पार्ट टू जब आएगा तो पार्ट टू पे देखिएगा हो सकता इनके बहुत सारे लोग निकला है में से। तारी ये जो अभी शर्मिला फारूकी बैन बन गया इतफाकनी और जो अंदर के दिल की बड़ास इस पनामा लीग में निकाली जा रही है जो शर्मिंदगी धरने में उठानी पड़ी उसकी जो बड़ास यहाँ पर निकाली जा रही है मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी महजब माशरे में महजब कौम में

मेरे भाई मैं उन्हीं का जवाब आप देने देंगे तो मैं दूंगा ना गुजारिश यह है कि आपने कहा पैसा बाहर कैसे गया इससे पहले जो फैक्ट्री उनकी जद्दा में लगी जो वो बेची गई जो ट्रांजैक्शन उसके बाद उनके लंदन में हुई उसका जवाब वो दे चुके हैं लेकिन उसके बावजूद जब इस कमीशन की प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी तमाम तर तफसी आएंगी हम हर टीवी चैनल पे बैठ के टीओ आर्स बन रहे हैं अगले दो चार दिनों में वो उसका ऐलान होने वाला है बाकी जो ये कह रहे हैं जनाब के डिक्लेयर करें तो गुजारिश यह है कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे तो पनामा लीक्स में उसमेंट ठीक है वो उसमें है नाम बिल्कुल स्टार में नाम है अगर ये कमीशन आप बना देते हैं दो तीन दिन में ट्यूआर के साथ और अपोजिशन रिजेक्ट कर देती है फिर क्या होगा इसी कमीशन के सामने कोई नहीं पेश होगा ना फिर तो देखिये मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन अगर आपस में बातचीत कर रही है हम भी अपोजिशन से रबते में हैं इससे पहले जो धानी के खिलाफ कमीशन था वो भी शुरू में उनके खिलाफ यही इल्जाम थे लेकिन जब वो लगा उसकी प्रोसीडिंग्स हुई वो वो सारी सारी की उन्होंने सारी देखी वो एक बिल्कुल आप ये कहें कि जुडिशियल कमीशन था और तहकीकत हुई है इमरान खान साहब सामने आए कौन से खिताब किया लेकिन एक मैसेज दिया चले उसको कौन का कौन से खिताब किया कुछ और के लिए ये इनिशिएटिव लूज किया है आपकी पार्टी ने अगर खुद बिलावल भुट्टो इस पर बात करते और उसी जोर से बात करते या आसिफ जदारी साहब बात करते इस हवाले से कौन से खिताब कर देते इस हवाले से तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ज्यादा खुलकर सामने आती है ऐसा क्यों नहीं किया ये इनिशिएटिव क्यों लूज किया आपकी पार्टी ने देखिए अब इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान ख़ान साहब उनको तो शौक है ना कौम से ख़ब करने का उनकी तो ख्वाहिश है कि उनको अल्लाह वो मौका दे कि वो कौम से खताब कर सकें लेकिन ये बड़ी मजाया खेज़ बात है इट डजन बिकम हिम के जी कौम से आप खिताब करें हाँ पार्लियामेंट में जाएँ पार्लीमेंट में उन्होंने बात की अच्छी बात है पीपल्स पार्टी भी पार्लमेंट के अंदर बात कर रही है लेकिन ये बिल्कुल हकीकत बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पार्लियामेंट में आके का जवाब देना चाहिए क्यों उस पार्लियामेंट से भागते हैं जिस पार्लियामेंट ने उनको इलेक्ट किया और क्यों हौसला नहीं दिखा रहे हैं? वो ये कमीशन की जो वो ये बात कर रहे हैं उसको कौन रिजेक्ट कर चुकी है आप क्यों चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाने वो खिताब नहीं किया खिताब नहीं कोई और नाम देते हैं। लेकिन कम से कम आके उस पर बात तो करते, है। उस प्रेस करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते लेकिन कोई उनका हमें जब जिसको जब खिताब करना शजाद होगा शजाद वो शजाद कर लेंगे किसी के कहने से खिताब नहीं होगा लेकिन इस वक्त एक कौम पूरी कौम प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ देख रही है कि वो आके उनसे जवाब तलब करना चाहते हैं बिल्कुल ठीक पर जो ये लीक्स आए हैं उसके हवाले से और हमें इंतजार करना पड़ेगा जवाब के कल प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बरतानिया चले जाएंगे इलाज के हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों हजरात के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें सोशल मीडिया पर दे सकते हैं इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़